कंकर कंकर मीरा शंकर, मैं लहर लहर अविनाशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये नज़ारा है वाराणसी की अस्सी घाट का और मैं आ गई हूँ वाराणसी के अस्सी घाट पे। और दोस्तों यहाँ पे हमने बोट ली थी और बोट का जो प्राइस है वो यहाँ पे 50 रुपये पर पर्सन है। वो सबसे ये पहले देखिए आपसे मेरी पूछते बेस्ट हैं कि फ्रेंड आपको कंचन ने घाट पे टीका जाना लगवा है लिया, या उस बहुत पार लवली जाना है। लग तो रही हमने है। कहा कि हमें उस पार हर जाना है। हम उस पार गए महादेव। दोस्तों और उस पार का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। तो दोस्तों ये मेरे साथ मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी जा रही है और हम लोग बोट पे चढ़ गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं उस पार। हाँ बनाइए चाय भैया। तो दोस्तों ये हमें उन्होंने कहा था कि आपको घाट पे जाना है या उस पार, तो हमने बोला हमें उस पार जाना है, तो हम उस पार आ गए हैं। और उस पार का नज़ारा कुछ ऐसा है, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी है, कैमल राइडिंग भी है। कितना लेते हो भैया? 100 रुपये लेते हो? राइडिंग करना है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अफजाल। अफजाल कितना लेते हो तुम हॉर्स राइडिंग का? ये अफजाल का इतना सुंदर सा घोड़ा है, तो आप जब भी बनारस आए तो अफजाल के घोड़े पे हॉर्स राइडिंग जरूर करें। और ये देखिए कि एक और घोड़ा आ गया, हमारी हॉर्स राइडिंग के लिए रेडी है। ललिता कुछ कहना चाहोगी? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये देखिए कैमल राइड भी है और हॉर्स राइड भी है। तो दोस्तों मैंने हॉर्स राइडिंग नहीं की है क्योंकि मुझे बहुत दया आती है इन लोगों के ऊपर। और बाकी आप लोगों की इच्छा है, अगर आप पे आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इनके साथ फ़ोटो खिंचवाइए। इनको कुछ खिलाने को दे दीजिए जिससे ये भी खुश हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा जानवरों के ऊपर मतलब सवारी करना और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं, इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और दोस्तों ये देखिए दूर से आप देख सकते हैं उधर टेंट सिटी का नज़ारा, जो कि मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, कैमरे में नहीं आ पा रहा है, बट उधर जो टेंट हाउसेज हैं उसका बता रहे हैं कि प्राइस जो है 10,000 एक दिन का प्राइस है। और उसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। शाम को वहाँ पर कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं, तो आप आएँ तो वहाँ पर एक बार ज़रूर जाएँ। दोस्तों यहाँ पे चाय की एक दुकान भी है जहाँ पे चाय मिलती है, बिस्किट मिलता है, ये देखिए मैगी वगैरह मैगी वगैरह भी मिलता है। तो चाय आके यहाँ पे चाय कितने की है भैया? चाय का मजा ले सकते हैं। चाय कितने की देते हैं आप? अगर भूख लगी है तो आप थोड़ा बहुत कुछ 10 रुपए की चाय ये भैया देते हैं। और ये भैया है, यहाँ पे चाय का जो प्राइस है वो 10 रुपए है और चाय बहुत ही अच्छी है। ये हमारी चाय आ गई है दोस्तों, आप देखिए भैया आपका क्या नाम है? तो ये देखिए बनारस की चाय मैं पी रही हूँ, की चाय बहुत टेस्टी, टीना की चाय उस पर आके। तो बनारस के घाट पे मैं बैठ के चाय पी रही हूँ और ये मेरी देखिए दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये। यहाँ पे दोस्तों ये पंडित जी थे जो कि टीका लगाते हैं चंदन का, पूरे माथे पे टीका लगा के उस पर ओम और त्रिशूल का डिज़ाइन बनाते हैं। तो आप चाहें तो इनसे टीका लगवा सकते हैं और आप इनको दक्षिणा में जो भी देना चाहें वो बहुत खुशी खुशी लेते हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि दुनिया को जीना है तो बड़े शहर जाइए और ख़ुद को जीना है तो बनारस आइए। ये बात सत्य है दोस्तों, आप अपनी लाइफ में एक बार बनारस ज़रूर आएं और यहाँ के घाटों पे ज़रूर घूमें, माँ गंगा का आशीर्वाद लें, बहुत ही सुकून मिलता है दोस्तों यहाँ पे आके। Thank you.
टीका लगवा लिया। ललिता कितनी सुंदर लग रही है। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी गंगा आरती, तो बने रहिएगा, मेरे व्लॉग देखते रहिएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब